आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तेजस्वी यादव, सीधा हम आपको वहीं लिए चलते हैं। आज बीजेपी ने 11 बजे अपना संकल्प पत्र जारी करना है और खबर आ रही कि दूसरी तरफ आरजेडी भी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। क्या कुछ होगा उसमें, आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें लोगों को लुभाने के लिए तमाम वायदे किए गए थे। और आज के इस घोषणा पत्र में, आरजेडी के घोषणा पत्र में खासतौर पर क्या है, सुनते हैं। राजद अल्पसंख्यकों के हकों के हिफाजत की पूरी व्यवस्था करने को संकल्पित है। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के पसमंदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा ताकि सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता इसमें कोई बदलाव ना कर सके। राजद निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था का पड़ोकार रहा है। हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र की नौकरियों में हर स्तर पर दलित बहुजन समाज का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। राजद 2021 में सभी जातियों की जनगणना की सुनिश्चित करेगा। बिहार के लोगों के खास तौर पर हमारा वायदा है कि अगर आपका साथ रहा और केंद्र की सत्ता में भागीदारी बनी तो हम उस हालात को जरूर बदलकर दिखाएंगे जिसमें रुपए कमाने के लिए बिहार के लोगों को ना घर छोड़ने की मजबूरी होगी, ना ही घर से बाहर मर्जाद छोड़कर रुपया कमाना होगा। प्रवासी बिहारियों के लिए हर मुख्य शहरों में एक हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्प सेंटर होगा जिसके अधिकारी सीधे तौर पर उनकी शिकायतों व जरूरतों पर नजर रखेंगे। राजद की सबसे पहले प्राथमिकता है कि बिहार में एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे बिहार में प्रगति और विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचे, ना कि विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के गिरफ्त में बना रहे। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती, रोजगार, सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। राष्ट्रीय जनता दल ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर रोजगार को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया जाए जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में बहाली को मॉनिटर करेगा और एक निश्चित समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने को सुनिश्चित करेगा। पलायन रोकने के उपाय, शिक्षा, कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो, स्वास्थ्य जीडीपी का 4% स्वास्थ्य पर खर्च हो, निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी जवाबदेह और पारदर्शी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता, सरकारी तंत्र द्वारा दवाओं की खरीद की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए। और जितनी चीजें हैं मैनिफेस्टो में वो आप लोगों को दिया गया है और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, हालांकि मैनिफेस्टो में नहीं है, बिहार सरकार से रिलेटेड है। जो तारी है, अगर बिहार में सरकार बनती है तो तारी जो कंडीशन जो लगाया गया है कि वो इल्लीगल है, उसकी जो है हम लोग जो है उसको हटा करके हम लोग जो है लीगल करने का काम करें। साथ ही साथ जो पुलिस में जो भर्ती जो होती है वो क्लास 7वें 8वें के बाद से जो है जो पढ़ा लिखा होगा वहाँ से हम लोग जो है भर्ती कराने का काम करेंगे और जो आप लोगों के सवाल हैं उसका जवाब दे सकेंगे। और कांग्रेस का जो न्याय जो योजना है उसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं और मेरा मानना है कि अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज जो है, जो परिवार है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा और ख़ास तौर पर बिहार राज्य जैसे जो पिछड़े राज्य हैं उसको इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस योजना में
ज्यादातर जो गरीब हैं वो दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से, जातियों से आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये योजना बिल्कुल बिहार के हित के लिए होगा, गरीबों के लिए हित के लिए होगा, दलित और पिछड़ों के हित के लिए होगा। ये तारीख बेचना पीना सब फ्री हो जाएगा जो पहले जैसे था, तारीख को लेकर के, बस तारीख को ही लेकर के है ना, सिर्फ तारीख को ही लेकर के। देखिए अब जब बनेगा, लेकिन तारीख तो है कि उसको हम लोग जो है हटा देंगे, जो अभी जो गरीब हैं, जो कमाने का काम करते हैं। आपको पता है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो तारीख पे भी जो टैक्स था उसको हटाने का काम किया गया। इससे जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं, समाज से आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका जो है रोजगार कहीं ना कहीं से हम लोगों का मानना है कि छीना गया है। इसलिए एक ट्रेडिशनल भी रहा है और जो रोजगार लोगों की जो छीनी गई है उससे जो है वापस हम लोग लागू करने का काम। अरे संशोधन तो हर कानून में होता रहता है, इसमें सब लोग जब वो मौका आएगा, अभी तो दूर है, पहले जो केंद्र का चुनाव है उसमें आप लोग बात करें। जसवी जी ये बताइए कि आपकी सरकार 40 सीट में भी जीत जाएगी तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी, जो आपने आरक्षण का मसौदा दिया है घोषणा पत्र में, तो जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है वो सवर्ण आरक्षण के साथ में है, आपकी पार्टी विरोध में है, आप जिसकी जितने आबादी उस हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ये जो आरक्षण है जनरल के लिए था, हम आपको बता दें, और मेरा मानना है कि ये जो आरक्षण जो है वो स्वर्ण अमीरों को मिला है, ना कि स्वर्ण गरीबों को मिला है। हमने पहले भी कई बार कहा है, आप बताइए जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो उसको भी आरक्षण है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको भी आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं से हम किसी का विरोध नहीं करते। जातीय जनगणना हो जाएगी, हर एक जात का जातीय जनगणना हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये हम लोगों का पुराना स्टैंड है। लेकिन आप तो सरकार में रहेंगे तो आप कैसे इसे लागू करा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इसके पक्ष में नहीं है। हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी समर्थन में किसके नहीं है? नहीं, जो आप सवाल उठा रहे हैं जिस घोषणा पत्र, जातीय जनगणना आपको भी पता है, जातीय जनगणना जो हुई आर्थिक शैक्षणिक तौर पे वो कांग्रेस की यूपीए समय में हुई थी, मनमोहन जी के समय में, उसको भी लालू जी ने बढ़ चढ़ करके उसमें जोर आवाज दिया था, तब जा करके हुआ था। तो इसमें भी हम लोग जो है हर जातियों का जनगणना होनी चाहिए। और क्या मामला है नहीं मामला, अभी तो आपके पास आया नहीं है वो रिपोर्ट, सार्वजनिक तो करे आखिर है क्या रिपोर्ट। विश्व का सबसे महंगा सर्वे है वो, इतना अरबों खरबों रुपया लगा और वो रिपोर्ट को क्यों दबाया गया, उसमें पता ना चलता कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग जो हैं भूमिहीन हैं, कितने लोग जो हैं भीख मांग करके गुजारा करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, तो सामने लाने में क्या दिक्कत है। ताड़ी पर जो आप कह रहे हैं आपकी सरकार उस समय 7 से 2 मिनट रुक जाएंगे सर, अरे फ्लाइट, अच्छा ताड़ी पर जो है आप सरकार में थे उस समय में आपने समर्थन किया था शराबबंदी को लेकर, ताड़ी को लेकर, अचानक आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? नहीं नहीं, उसमें भी आप लोगों को पता है कि ताड़ी को लेकर के हम लोगों के स्टैंड क्लियर था। नहीं, आप सरकार, हम लोग आपने समर्थन किया था, आपने आप तारीख को लेकर के हमेशा से नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया कि तारीख किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का शुरू से। आप अपने बड़े भाई के प्रचार की गतिविधियों को क्या मानते हैं? आज मैनिफेस्टो का है, आज मैनिफेस्टो का है, देश का चुनाव है। एक सवाल यह है कि क्या आरजेडी बिहार में जो चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं उसमें जो जातीय समीकरण अभी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।